अगर आप भगवान को सच्चे मन से मानते हैं तो भगवान आपकी सहायता जरूर करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी भगवान के एक भक्त की। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था भोला। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव। बहुत ही भोला भाला था, लोगों की बातों में आसानी से आ जाता था और लोग उससे अपना काम निकलवाते रहते थे। किसी को जरा से भी परेशानी हुई या उसे कुछ काम हुआ तो भोला से कहते और भोला उनका काम कर दिया करता था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो। रोज मंदिर जाता था, मंदिर की साफ सफाई करता था, पुजारी जी के साथ मिलकर सारी मंदिर की व्यवस्था पर ध्यान देता था और साथ साथ लोगों की मदद भी किया करता था। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन गांव के साहूकार की बेटी की शादी थी तो साहूकार ने भोले से कहा कि भोला, मेरा कुछ सामान है जिसे घर तक पहुंचाना है। भोला ने कहा ठीक है और वो सामान लेकर साहूकार के घर चला गया और वापस वहां से अपने घर आ गया। कुछ देर के बाद साहूकार भोला के घर आया और कहने लगा कि तुमने मेरे घर में चोरी की है। झगड़ों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। भोला बार बार कहता रहा कि मैंने चोरी नहीं की है, पर साहूकार मानने को तैयार नहीं था। आसपास के लोगों ने भी साहूकार की बातों पर ही ज्यादा भरोसा किया और भोला की पिटाई करने लगे। उस रोज बहुत बारिश हो रही थी। सभी लोग भोला को लेकर मंदिर पहुंचे पुजारी जी के पास और पुजारी जी से कहा कि भोला ने साहूकार के घर में चोरी कर ली। पंडित जी ने जब सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भोला ने चोरी की होगी और उन्होंने गांव वालों से कहा कि भोला चोरी नहीं कर सकता, वो तो बड़ा ही भला इंसान है। पर गांव के सभी लोगों ने कहा कि नहीं, साहूकार जी ने कहा है तो भोला ने ही चोरी की है और भोला को इस बात की परीक्षा देनी होगी। अगर वो भगवान का सच्चा भक्त है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। पुजारी जी बड़े परेशान, भोला भी परेशान और साहूकार तो पहले से परेशान था क्योंकि उसके घर में चोरी हुई थी। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि अगर भोला सच में भगवान का इतना बड़ा भक्त है तो वो अभी बाहर जाए और उसे बारिश की एक बूंद भी ना छू पाए तो हम मान लेंगे कि भोला ने चोरी नहीं की है। सब एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि बाहर तो तेज बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों के जोर जबरदस्ती करने पर भोला मंदिर से बाहर गया। मंदिर से बाहर जाते ही बारिश रुक गई। सभी लोग हैरान हो गए और सबको लगा कि उन्होंने भगवान के एक भक्त के साथ गलत किया है। तो दोस्तों, भगवान ने इसी तरह भोला की सहायता की और भगवान हमारी भी सहायता इसी तरह करता है। अगर हम सच्चे मन से उन्हें माने, उनकी भक्ति करें और किसी का बुरा ना करें तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। तो कैसी लगी कहानी?